हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स। माईसेल्फ आरुषि चतनन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है ए बी सी डी इज ए ट्रैपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, बी डी इज ए डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो पहले यहाँ तक समझते हैं। ए बी सी डी एक ट्रैपीजियम गिवन है। तो ट्रैपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, वो होता है पैरेलल। तो यहाँ पे ए बी पैरेलल टू डी सी, ये गिवन है। एंड बी डी इज ए डायगोनल। तो यहाँ देखिए बी और डी को ज्वाइन कर दिए, बी डी जो है इस ट्रैपीजियम का डायगोनल है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी का मिड पॉइंट है ई। नाउ आगे क्वेश्चन में गिवन है ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। तो यहाँ से ई से एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, वो बी सी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये लाइन जो है ए बी के पैरेलल है। दैट मीन्स ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। नाउ शो दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो एफ को हमें बी सी का मिड पॉइंट शो करना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन में लिखना होगा हमें ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी और ई एफ लाइन ड्रॉन थ्रू लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे ई और एफ, ई एफ पैरेलल टू ए बी। और क्या गिवन है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये हमें गिवन है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं टू प्रूफ, यानी जो हमें प्रूफ करना होता है। तो हम लिखेंगे एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमें यही प्रूफ करना है। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट हमें प्रूफ करना है। नाउ स्टूडेंट्स अगर कोई कंस्ट्रक्शन नीडेड होता है तो हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लेकिन इस फिगर में, ये जो बुक में क्वेश्चन फिगर गिवन हुआ है दिया हुआ है, इसमें हमको कोई भी कंस्ट्रक्शन नीडेड नहीं है। जैसा फिगर है एज इट इज ही रहेगा। बस यहाँ पे मैं एक स्मॉल चीज़ करने वाली हूँ, ई एफ जो पैरेलल लाइन बनाया था ए बी के, ई एफ और बी डी जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं मैं उसे कोई नाम दे देती हूँ। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है एम। नाउ अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए ए बी पैरेलल टू डी सी, ये गिवन है। तो ए बी पैरेलल टू डी सी, ये मैं गिवन लिख देती हूँ। सिमिलरली गिवन है ई एफ पैरेलल टू ए बी, तो ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये भी गिवन था तो इसे भी मेंशन कर दिया हमने। अब इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, ए बी डी सी के पैरेलल है और ए बी ई एफ के भी पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, ई एफ और डी सी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ए बी डी सी के पैरेलल, ए बी ई एफ के पैरेलल, तो ई एफ और डी सी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट ई एफ इज पैरेलल टू डी सी। ये स्टूडेंट्स हमको आगे काम आएगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए ई एफ पैरेलल टू ए बी गिवन है। तो ई एफ अगर ए बी के पैरेलल है तो ई एम क्या हो जाएगा, ई एम ई एफ का पार्ट है तो ई एम भी ए बी के पैरेलल हो जाएगा। मैं लिख सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ ई एम इज पैरेलल टू ए बी एस ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ई एम स्मॉल पार्ट ऑफ ई एफ है तो इसलिए ई एम भी पैरेलल हो जाएगा ए बी के। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे आपको ई एम मिल चुका है पैरेलल टू ए बी, तो हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ए डी बी। मैं लिख रही हूँ नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये आपको गिवन है। ई जो है ए डी का मिड पॉइंट है, ये आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो गिवन है। और ई एम पैरेलल टू ए बी, अभी अभी आपने लिखा था ई एम पैरेलल टू ए बी, ई एम पैरेलल टू ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे अप्लाई होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको याद नहीं है या आपने नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस पोस्ट में आप देख सकते हैं, मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का वीडियो भी पोस्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट यहाँ पे देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, अगर कोई एक ट्राइंगल है और किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है, तो सपोज मुझे इसका मिड पॉइंट गिवन है P, अगर मैं इससे कोई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और वो लाइन जो है ये BC के पैरेलल है, तो PQ जो है BC के पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये जो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है AC पे, Q
क्यू पॉइंट पे, तो क्यू जो होगा वो ए सी का मिड पॉइंट होगा। तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस फिगर में भी हमें कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। तो देखिए यहाँ पे ई जो है ए डी का मिड पॉइंट गिवन है। ई ई अगर ए डी का मिड पॉइंट है, ई एम ए बी का पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग एम जो है बी डी का मिड पॉइंट होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब आपको रीजन भी लिखना होगा क्यों है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब आपने इसको मिड पॉइंट कह दिया। तो स्टूडेंट्स अब जो है आपने मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकाल लिया है, तो अब हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल डी बी सी। तो इन ट्राइंगल डी बी सी एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये भी अभी आपने किया था एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्रूव्ड अबव। और क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एम एफ डी सी का पैरेलल होगा, एम एफ इज पैरेलल टू डी सी। क्यों होगा, क्योंकि अभी आपने किया था ई एफ पैरेलल टू डी सी, ई एफ डी सी का पैरेलल है। अगर ई एफ डी सी का पैरेलल है तो एम एफ उसका स्मॉल पार्ट है, तो एम एफ भी डी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एस ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, तो एम एफ भी पैरेलल टू डी सी हो गया। फिर यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा, एक मिड पॉइंट मिल गया और मिड पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो थर्ड साइड का पैरेलल है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा एफ जो हो जाएगा बी सी का मिड पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्यों होगा स्टूडेंट्स, इसको भी मेंशन करना होगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हम एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी आपने प्रूव कर दिया, आपको यही तो प्रूव करना था, दैट मीन्स आपने क्वेश्चन को कर दिया है सॉल्व। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मिलेंगे। टिल देन बी सेफ एंड गुड बाय।